महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर निवासी कीर्ति भराड़िया तैराकी की दुनिया में एक उभरता नाम। कीर्ति 10 साल की उम्र से ही समंदर में स्विमिंग करने लगी। आज तक कीर्ति ने मुंबई, मालवण, वेंगुर्ला, पोरबंदर, गोवा आदि विविध समंदर में तैराकी की है तथा विशेष पारितोषिक भी प्राप्त किए हैं। कीर्ति ने 11 अगस्त 2019 के दिन महज 13 साल की उम्र में ही सोलापुर शहर के जलतरण तालाब में बिना रुके, बिना थके, बिना किसी अवरोध के 12 घंटे 15 मिनट लगातार स्विमिंग किया और 34.5 किलोमीटर फासला तैरकर एक विश्व विक्रम प्रस्थापित किया। इस सफलता के पश्चात कीर्ति यहीं पर नहीं रुकी, उसी समय उसने समंदर में 36 किलोमीटर तैरना निश्चित कर लिया। कोरोना महामारी जैसी तकलीफों के बावजूद अथक परिश्रम करके 24 नवंबर 2022 के दिन महज 16 साल की उम्र में ही मुंबई के अरब सागर में वर्ली सीलिंग से गेटवे ऑफ इंडिया ये 38 किलोमीटर का फासला अनेक तकलीफों का सामना करते हुए बिना रुके 7 घंटे 22 मिनट में तैरकर पुनः एक विश्व विक्रम प्रस्थापित किया तथा 21 फरवरी 2023 के दिन उसी अरब सागर में धर्मतर से गेटवे ऑफ इंडिया ये 39 किलोमीटर का फासला रात्रि के अंधेरे में बिना रुके 7 घंटे 54 मिनट में तैरकर एक कीर्तिमान प्रस्थापित किया है। कीर्ति के साहस का वर्णन शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। एक और बात विशेष प्रशंसनीय है कि कीर्ति ने पूर्णतः शाकाहारी भोजन का सेवन करते हुए अपना लक्ष्य हासिल किया है। अब श्रीलंका से भारत यानी धनुषकोडी रामेश्वरम तक का फासला बिना रुके तैरना ये कीर्ति का अगला लक्ष्य है। कीर्ति को सोलापुर माहेश्वरी भूषण पुरस्कार, कोठारी बंधु शौर्य पुरस्कार, लियो यूथ आइकॉन पुरस्कार, शिवतीर्थ समाज भूषण पुरस्कार तथा महा एनजीओ फेडरेशन द्वारा क्रीड़ा क्षेत्र का राजमाता जिजाऊ पुरस्कार आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप सभी के आशीर्वाद तथा शुभकामनाएं कीर्ति को प्राप्त हो, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।